हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी फॉर किड्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको अपोजिट वर्ड्स पढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्लस कर दीजिए कि आपको रोज़ आने वाली वीडियो टाइम पर मिल जाए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, वर्ड लिखा, वर्ड मतलब होता है शब्द, अपोजिट मतलब होता है विलोम, है ना। फिर इसका अपोजिट लिखा है, वर्ड लिखा है, इसका अपोजिट लिखा है। जैसे यहाँ पे लिखा है कम, कम मतलब होता है आना, कम मीन्स होता है आना, गो मीन्स होता है जाना। फिर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर, लिखा यहाँ पे हेयर, हेयर मतलब होता है यहाँ, देयर मतलब होता है वहाँ। फिर एफ फास्ट, फास्ट मतलब होता है तेज, और स्लो, स्लो मतलब होता है धीमा। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब होता है लंबा, और शॉर्ट, शॉर्ट मतलब होता है छोटा, है ना। फिर जैसे आप लिखा है रीच, रीच में तो होता है धनी, और पुअर, पुअर मीन्स होता है गरीब। फ्रेंड्स, चलिए हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं फैट, यहाँ पे लिखा हुआ है फैट, फैट मतलब होता है मोटा, और थिंग मतलब होता है पतला। हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुशी, और सैड मतलब होता है दुखी। डे, डे मीन्स होता है दिन, और नाइट मीन्स होता है रात। सिट मीन्स होता है बैठना, और स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए। हम आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।